आगे अब जरा बात बैंक की करते हैं, उस इदारे की करते हैं जहां पर यह माना जाता है कि अकाउंटेबिलिटी है और फिक्स की जाती है अकाउंटेबिलिटी। लेकिन जम्मू कश्मीर बैंक आज खुद एक बड़ा सवाल उनके सामने पैदा हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर बैंक के दो ब्रांच जो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के अंदर है, कुलन और वुसन, ब्रांच कुलन और ब्रांच वुसन, दो साल से रिबन काटने का इंतजार है। यानी जम्मू कश्मीर बैंक ने दो ब्रांच डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के अंदर खोलने का मन बनाया, बिल्डिंग बाजाबता किराया पर ली, वहां पर पूरा एस्टेब्लिश किया गया, लेकिन रिबन कब काटे इसके लिए शुभ मुहूर्त पिछले दो साल से नहीं निकल रहा है। अब सवाल दो है यहां पर, एक ये कि बैंक लगातार पैसा दे रहा है, रेंट दे रहा है, और दूसरा ये कि आवाम के लिए ये जो दो इदारे खोले गए थे, दो इंस्टीट्यूशंस खोलने की बातें हो रही थी, ये सिर्फ बोर्ड तक ही महदूद रहा और बुनियादी सतह पर किसी तरीके का कोई फायदा इन लोगों को नहीं मिला है। यानी कहीं ना कहीं जो पैसा आप बैंक के अंदर रखते हैं, जो उसका इंटरेस्ट होता है, जिससे सरकार और दस तरह के काम होते हैं, उसे ऐसे भी जाया किया जा सकता है कि अभी चाहे आपने 10,000 या 5,000 रुपया किराया दिया हो, तो दो साल के दौरान कितना पैसा आपने दिया, इसकी जवाबदेही किसकी है कि इन दो बैंक ब्रांच को इनॉग्रेट नहीं किया जा रहा है। माना जा रहा है कि पॉलिटिकल टसल बैंक के अंदर चल रहा है, जिसकी वजह से गांधरबल जैसा जिला जो श्रीनगर के बिल्कुल पास है, इस वक्त नजरअंदाज हो रहा है। चलिए हम सीधे चलते हैं जी गांधरबल, जहां से सामाजिक कारकुन डॉक्टर गुलाम रसूल मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी गुलाम रसूल साहब ज्वाइन करने के लिए, बड़े वोकल हैं आप जी इस पूरे मामले पर। मसला बड़ा सीधा है, साफ है, आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दी, बैंक पर गए, उन्होंने कहा जी हाँ दो बैंक के ब्रांच हम खोल देंगे। लेटेस्ट अपडेट आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली इस प्रोसेस को देख रहे हैं और आवाज भी उठा रहे हैं। इसका सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारे इस मसले को उठाया है कि ये मसला पिछले दो सालों से गवर्नर साहब है कि अगर देखा जाए कि यहाँ मतलब जो ये बैंक है, बैंक के इसकी सोर्सेज देखा जाए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कितनी है, जहाँ खासतौर पर यहाँ पे हॉस्टल है जी, मतलब पीएससी है जो 24 घंटे मतलब यहाँ पे मतलब शुरू कर दिया है, पेट्रोल पंप दो है, एटीएम दो ऑलरेडी चल रहे हैं, यहाँ पे एसबीआई का एक एटीएम है, जेके बैंक का एटीएम है, पेट्रोल पंप दो है, हाई स्कूल एक है, मिडिल स्कूल 2-4 है, प्राइवेट स्कूल 5-6 है, इसी तरह शीप हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रीकल्चर ऑफिसर है, ऑफिस है यहाँ पे, वैली मिनरल वाटर की फैक्ट्री है, यहाँ पे 30-40 मुलाजिम यहाँ पे मतलब वहां पे काम कर रहे हैं। इसी तरह अगर देखा जाए यहाँ की शालबाती का काम है, यहाँ तकरीबन ये 24 गाँव पे मुश्तमिल ये कुछ इलाका है, नियर अबाउट 2400 से ज्यादा यहाँ पे जायद आबादियां हैं, यहाँ पे मतलब हर एक 50-60 लोगों के पास टिपर गाड़ियां वगैरह है। अगर दुकानदारों के लिहाज से देखा जाए 200 से लेकर 300 दुकानदार है, अगर अब मैं भी दुकानदार को ऐसा कहूँ कि 500 या 5 लाख कुल मिलाकर मैं ये मानूं कि सर्विस एरिया बहुत ज्यादा है, तो बैंक को खोलने में क्या प्रॉब्लम है बैंकों की आमदनी सर? बिल्कुल हम मतलब कई बार हमने मुतल्लिका हुकाम से भी मतलब गुजारिश किया, आपके माध्यम से मैं एलजी गवर्नर से और डीसी साहिबा गांधरबल से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें इस मुश्किल से अजाला दिला कर कि इस बैंक की मतलब रिबन काटा जाए। क्या क्या उनकी तरफ से कोई बात कही गई कि बैंक इंतजामिया की तरफ से कुछ कहा गया गुलाम रसूल साहब कि कब तक ये होगा, क्योंकि दो साल से डेट्स आ रही है, शायद मुहूर्त नहीं निकल रहा है? उन्होंने इस बिल्डिंग के लिए यहाँ पे वो कैश के लिए जो लॉकर होता है वो मतलब फायर प्रूफ लॉकर वो भी लाया गया है, यहाँ पे कुर्सियां लाई गई, यहाँ पे जनरेटर एक बोर्ड बड़ा लाया गया है, बिल्कुल सामान यहाँ इन्होंने लाया, बस सिर्फ रिबन काटना बाकी है, वो कब काटेंगे वो मतलब आपके माध्यम से आपसे गुजारिश करते हैं कि हमें इससे अजाला दिया जाए ताकि मतलब ये मुश्किल दूर हो जाए। बहुत शुक्रिया गुलाम रसूल साहब भुस्तन से ज्वाइन करने के लिए। भुस्तन के सामाजिक कारकुन गुलाम रसूल साहब बता रहे थे कि दो साल के दौरान बैंक ने तो यहाँ बड़ा काम किया, लॉकर लगाए और दस तरह का एसेट वहां पर खड़ा कर दिया, लेकिन रिबन काटे कौन, न तो चेयरमैन साहब के पास फुर्सत है और ना ही बैंक के दीगर जिम्मेदारों के पास इतनी फुर्सत है कि वो ये देखे कि दो साल से यहाँ पर रिबन क्यों नहीं कट रहा है, और अगर ये गैर मुनासिब जगह पर है, सिक्योरिटी माकूल नहीं है, तो जिस शख्स ने इसको अप्रूव किया और उसके बाद इतनी ज्यादा वहां पर इतना काम किया, तो उसके खिलाफ क्या कोई अकाउंटेबिलिटी का केस बनेगा, एक बड़ा सवाल इस वक्त हम बैंक के सामने